और पटना के खुसरूपुर में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाए जाने के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने नीतीश सरकार और पुलिस तंत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में ये पूरी तरीके से फेल हो गई है। पहले अरवल जिला, उसके बाद ऐसे कई जिलों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने मीडिया में बातचीत करते हुए कहा कि हमने राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांगा है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा है। इसके साथ ही महिला आयोग को भी पत्र लिखा गया है। मौके पर SC ST के महासचिव संजय पासवान, मीडिया प्रभारी कुंदन पासवान समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जश्न मना रहा है। महिला सशक्तिकरण का सारा लोग, सभी पार्टी और पूरी सरकार महिला सशक्तिकरण के सवाल पर ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं, और वहीं बिहार में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है। बिहार का विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ये प्रमाणित कर रहा है। कहीं कानून का राज नहीं है, अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जश्न मना रहा है। महिला सशक्तिकरण का सारा लोग, सभी पार्टी और पूरी सरकार महिला सशक्तिकरण के सवाल पर ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं, और वहीं बिहार में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है। बिहार का विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ये प्रमाणित कर रहा है। कहीं कानून का राज नहीं है, अपराधियों को सरकारी संरक्षण। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किया जोरदार वार। पटना में प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिल का समर्थन कर दिया, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी ने बड़ी चालाकी दिखाई। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि यह बिल कब लागू होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस पूरे बिहार में जनता के बीच इस बात को रखेगी। सभी पार्टी लोग के लोगों ने किया है, और इसी पर इसमें जो चालाकी की गई है भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, कि कहने के लिए तो ये बिल पास हो गया, लेकिन ये कब लागू होगा इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। और AICC ने फैसला किया कि सभी प्रांतों में AICC के प्रवक्ता जाकर इस बिल पर सभी स्टेट के लोगों को बताने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि सुजाता पॉल जी, जो इनके माता पिता यहीं चंपारण के रहने वाले थे, AICC में प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, आज बिहार में आई हैं, और हम इनका स्वागत भी करते हैं। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने CM नीतीश का खुलकर समर्थन किया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर CM नीतीश को PM मटेरियल घोषित किया जाता है तो वो उनका समर्थन करेंगे। पप्पू यादव दरअसल 9 महीनों से पटना के गर्दनी भाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों के समर्थन में उनसे मिलने पहुंचे थे। अब उनके आंदोलन को समर्थन देने पप्पू यादव पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधते हुए सरकार पर इन्हें नजरअंदाज करने की बात कही। वहीं जल्द से जल्द इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म करने की गुहार सरकार से लगाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लगभग 300 दिनों से ज्यादा का वक्त वार्ड सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का हो गया है, जिसमें 1,14,000 से ज्यादा वार्ड सचिव महाआंदोलन में शामिल हुए हैं। सरकार हमारे इन सचिव की बात नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे, और अपने लिए मरता क्या नहीं करता, फिर हम अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से हम अपने घर की तरह लड़ेंगे। हमारा अधिकार की लड़ाई है, हम सरकार के विरोध में नहीं, हम अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारी सुने, यदि नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा,
और सड़क पर मरने और लाठी खाने की लड़ाई करेंगे। तीन महीना, नौ महीना, 303 अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ पर हैं। अनिश्चितकालीन यहाँ पर हम लोग बैठे हैं 9 महीने से। पटना में जेडीयू के पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बैठक खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के हौसले बुलंद हैं। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक 2024 के इलेक्शन के लिए जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से तैयार है और लोकसभा इलेक्शन में जेडीयू के मुकाबले जो भी होंगे उसके लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। क्या कुछ कहा है प्रवक्ता नीरज कुमार ने, सुनाते हैं हम आपको। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में यह निर्देशित किया गया कि सांगठनिक कुछ एक निर्देश दिए गए और प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा गया कि इसको पूरे तौर पर व्यवस्थित करिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय इसको रेखांकित किया गया कि हमको जब काम करने का मौका मिला तो बिहार की जो तस्वीर हमने बदली है, गाँव की जो कृषक समूह है, केवल जमीन पर जिनका आधिपत्य वही नहीं, उससे जुड़े हुए जितने लोग, उनकी कल्याणकारी योजना है। और दिल्ली की मोदी सरकार जिस तरीके का विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा करती है, उन तमाम तथ्यों को संग्रहित करके आम लोगों के बीच ये संवाद कायम करना कि केंद्र की सरकार कुछ करती नहीं है, केवल प्रचार करती है, जबकि सरजमीं पर हम काम करते हैं, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे अनुसूचित जाति का तबका हो, सामान्य तबका हो, पिछड़ा तबका हो, अति पिछड़ा तबका हो, इन तमाम तबकों के बीच जो हम लोगों ने काम किया है उसको समग्रता में और सामूहिक टोली के रूप में पार्टी कैसे इस अभियान। राजधानी पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत बिहार के कई बीजेपी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह के मौके पर बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिंह और वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव और कई लोग मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के हमारे वो अध्यक्ष रह चुके हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दर्शन है, एक सोच है, गरीबों के हित में अंतिम पंक्ति पर बैठने वाले के उदय की कल्पना उन्होंने किया था, जिसको श्रद्धेय अटल जी और नरेंद्र मोदी जमीन पर उतार रहे हैं और आज उससे सब प्रभावित होकर आज उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बीजेपी की तरफ से मनाई गई। बीजेपी के तमाम नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम नीतीश ने भी पंडित दीनदयाल को नमन किया। इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीएम नीतीश के इस कदम को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, इसका कोई राजनीतिक मायने ना निकाला जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर बीजेपी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलने वाली नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। नहीं तो जरूर आते, और इस मूर्ति का जो शिलान्यास हुआ या जो मूर्ति लगाई गई, ये तो नीतीश जी के द्वारा ही लगाई गई थी जब हम लोग सरकार में थे। तो हम लोगों को सूचना नहीं थी कि 10:30 बजे कार्यक्रम है, तो हम लोगों ने अपने कार्यालय में जो मूर्ति लगी है उस पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। और देखिए, ये एक औपचारिकता है, अलग अलग दलों के नेता महापुरुष उनकी मूर्तियाँ सरकार लगाती है, तो अगर आज नीतीश जी आए यहाँ पर तो उसका कोई निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति तो उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के द्वारा मूर्ति लगाई गई है। तो इसलिए ये जो मीडिया में तरह तरह का कयास लगाया जाता है कि आज क्यों आए, कैसे आए, तो इसलिए इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, कोई निमंत्रण। और कटिहार में पुलिस ने बड़ी घटना का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी को महज 3 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने खुलासा करते हुए बताया है कि बीती रात कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गेराबाड़ी नहर के पास अज्ञात अपराधियों ने एयरटेल टावर के वॉचमैन को गोली मार दी थी और जिसके महज 3 घंटों के बाद अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चाकू मारकर जख्मी करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस सूचना पर त्वरित गति से थानाध्यक्ष पीओ पर वहाँ पर पहुँचते हैं और उस व्यक्ति को जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो प्रथम उपचार होता है उसके बाद जो है उसको हायर सेंटर लेकर जाते हैं। ये जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है वहाँ का एयरटेल टावर है उसमें ये कई वर्षों से वहाँ पर रहते थे, गार्ड के रूप में काम करते थे। इसकी पूरी की पूरी जो अनुसंधान है, केस का डिटेक्शन है, मैंने SDPO सदर को दिया जिम्मेदारी। ये खुद गए और थानाध्यक्ष और जो वहाँ की टीम है इन लोगों ने महज 3 घंटे के अंदर ही पूरे केस को डिटेक्ट कर लिया और रात्रि में ही जो अपराधी थे कुल 5 अपराधी पकड़े गए। 2 जो है हमारे पास देसी यहाँ कट्टा जो है आप देख सकते हैं, 5 जिंदा कारतूस है, 5 मोबाइल है, 1 जो चाकू जिसको डैगर बोलते हैं वो है। घटना ये है, ये पिछले करीब 10 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, इनका घर खगड़िया है और यहाँ पर ये किसी महिला के साथ जो है इंटेंगल हो जाते हैं। जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।